नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आपका स्वागत है राहुल फार्मेसी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्लासेंट्रिक्स इंजेक्शन के बारे में। प्लासेंट्रिक्स इंजेक्शन के क्या फ़ायदे हैं, क्या यूजेस हैं, क्या डोज हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, क्या इस इंजेक्शन को लेने से महिलाओं की सारी बीमारी दूर हो जाएंगी। आपके मन में बहुत सारा क्वेश्चन होता है, तो बहुत सारा कमेंट मेरे पास आया कि सर एक बार फिर से आप वीडियो बना दीजिए रिसर्च करके कि प्लासेंट्रिक्स इंजेक्शन को कैसे यूज करना है, कहाँ कहाँ पे किस किस बीमारी में यूज करना चाहिए। तो मैंने इस वीडियो को अच्छे से बनाया है, तो बेसिक जानकारी हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे प्लासेंट्रिक्स इंजेक्शन के बारे में। तो प्लीज़ चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को शेयर कर लीजिए, आइकन प्रेस कर लीजिए और एक लाइक और कमेंट कर लीजिए। अगर आपको मुझसे बात करना है तो मेरा नंबर है डिस्क्रिप्शन में, आप मुझसे व्हाट्सएप पर रिपोर्ट भेज करके कंसल्ट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, हम लोग बात करते हैं डिटेल्स में बिना रुके प्लासेंट्रिक्स इंजेक्शन के बारे में। दोस्तों, हमारे स्क्रीन पर आप देख सकते हो प्लासेंट्रिक्स इंजेक्शन है, जो कि ये 2 ml का इंजेक्शन आता है। और अगर हम बात करें इसके MRP के बारे में तो ये 115 रुपये के आसपास आपको ओवरऑल सभी मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा। हम यहाँ MRP टू MRP की बात कर रहे हैं, बाकी कुछ MRP ऊपर नीचे कुछ आपको हो सकती है, तो आप इसको ले करके यूज कर सकते हो, ठीक है। तो एज एस एंटीबायोटिक, यह प्लासेंट्रिक्स इंजेक्शन एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है दोस्तों। और ये इंजेक्शन महिलाओं में यूज किया जाता है, जैसे महिलाओं में अगर बच्चेदानी में सूजन है, बच्चेदानी में गांठ है, PCOD या PCOS है, इंडोमेट्रियम है, बल्कि यूट्रस है, अगर इस तरह की दिक्कत महिलाओं के अंदर है तो आप इस इंजेक्शन को लगवा सकते हो। 100% गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ अच्छे इसके रिजल्ट मिलेंगे। बच्चेदानी में अगर सूजन है तो इसको आप लगवा सकते हैं। 14 इंजेक्शन लगाए जाएंगे कमर में, IM मस्कुलर इंट्रा मस्कुलर में 14 इंजेक्शन लगाए जाएंगे। बच्चेदानी में अगर सूजन है, PID है, तो 10 इंजेक्शन लगाए जाएंगे कमर में, IM इंट्रा मस्कुलर में। और अगर आपको इंडोमेट्रियम है तो आपको 7 इंजेक्शन लगाए जाएंगे, ठीक है। आपको बिल्कुल घबराना नहीं, गलती से भी अगर आपकी शादी हो गई है तो या नहीं हुई, अगर आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं तो आप इस इंजेक्शन को लगवा सकते हैं। अगर आप मैरिड हैं तो आप इसको लगवाने के बाद में आप जल्दी से अपना जीवन सुखी मैं कह सकती हैं, आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है, आपके जीवन में खुशहाली आ सकती है। अगर आपको जल्दी प्रेगनेंसी चाहिए, जल्दी बेबी बच्चा चाहिए, तो आप इस बीमारी के माध्यम से इस इंजेक्शन को लगवा लें। अगर आपको बच्चेदानी में सूजन, गांठ, इन्फेक्शन है तो आप इस इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा, लेकिन इसको इस्तेमाल करने से सबसे पहले आपको एक अल्ट्रासाउंड करवाना होगा, USG होल एब्डोमिन, ठीक है, जिसको हम लोग अल्ट्रासोनोग्राफी बोलते हैं। तो अल्ट्रासोनोग्राफी करवाने के बाद में कंफर्मेशन हो जाएगा, तो अगर कंफर्मेशन होता है तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर को दिखाएं, या अगर अपने नज़दीकी डॉक्टर को नहीं दिखा पाते हैं तो आप मेरे पास रिपोर्ट सेंड कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में है, जो कि आप डिस्प्ले पर भी देख सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको अच्छे से मेडिसिन बता दूंगा, लेकिन मैं जो मेडिसिन इसमें बताया हूँ यही मेडिसिन बताई जाएंगी, तो आप लोग वीडियो को लास्ट जरूर देंगे, ठीक है। और एक सब्सक्राइब जरूर करें, बहुत मेहनत से आप सबके लिए रिसर्च करके वीडियो बनाता हूं दोस्तों, ठीक है। तो आप इस इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो लड़कियां का अनमैरिड है उन लड़की भी इस्तेमाल कर सकती हैं, सूजन, बच्चेदानी में गांठ, इन्फेक्शन। और इसके साथ साथ में एक सीरप आता है एम2टोन सीरप, तो एम2टोन सीरप को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। 10 ml TDS सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम में। तो अगर आप इस सीरप को इस्तेमाल करते हैं, इंजेक्शन इस्तेमाल करते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा दोस्तों, मैं गारंटी के साथ आपको कह सकता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, आई होप, उम्मीद करते हैं कि वीडियो समझ में आए। अगर समझ में आए तो लाइक करना, कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।